बर्डवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह से व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए नए डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल CHMO डॉक्टर तुलसा ठाकुर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह महिला भोपाल से आई हुई थी, जो बस के द्वारा रीवा जा रही थी। जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर महिला को जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। आइए सुनते हैं क्या कहना है। पॉजिटिव निकली दमोह में, कैसे आई? ये बस से आई थी, अभी सुबह एक बस आई थी भोपाल से चल के, जो रीवा जा रही थी। और रीवा के बीच में जो जिले पड़ रहे होंगे वहाँ के लोग भी इसमें थे, लगभग 37 लोग थे। मैं एक महिला कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना भोपाल से दी गई थी कि उक्त महिला जो है कोरोना पॉजिटिव है, तो इस कारण बस को यहाँ रोक लिया गया था। और सूचना मिली हमें, कलेक्टर साहब को भी और SP सभी मौके पर पहुँचे और बस में से एम्बुलेंस बुलाकर बस में से महिला को एम्बुलेंस से शिफ्ट करा लिया गया अपने जिला अस्पताल, जहाँ उसका आइसोलेशन वार्ड में इलाज चलेगा। और बाकी के लोगों की सारे जितने लोग थे और तो उनकी सबकी स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग के बाद उनको कोविड केयर में रखा जाएगा।